अभी कुछ ही मिनटों में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग सम ब्यूटिफुल व्यूअर्स, ब्यूटिफुल एंड हैंडसम व्यूअर्स. जैसे आए जा जाएंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक. हाय प्रवीण. सो पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि आप हमेशा सही हो? कभी कभी क्या आप ड्राइव करते हो और किसी गाड़ी के साथ आपका टक्कर हो जाता है तो आपको लगता है कि वही गलत है, आप सही चला रहे थे? कभी कभी आप किसी से मजाक कर रहे हो लेकिन किसी ने आपके मजाक को सीरियसली ले लिया और आपको लगा कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सॉरी क्यों बोलूं? होता है कभी कभी. हम इंटेंशन हमारा नेगेटिव नहीं होता है लेकिन गलत हो जाता है. दोस्तों इसी को लेकर आज का शो है ट्राई मी गॉड शो. प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे अच्छा लगता है जब आप शेयर करते हो. और कुछ ऐसे ऐसे दोस्त भी शो में आ जाते हैं जिसे ना मैं पहचानता हूँ और ना ही मैंने कभी एक्सपेक्ट किया है, लेकिन यस आप जब शेयर करते हो तो उन तक भी हम पहुंच जाते हैं और इससे शो का शान बढ़ता है और शो का एक जो दायरा है उस दायरा बढ़ता है और लोग इसे देखते हैं. यस ब्रिंस केरवा जी, आई 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 कैन अंडरस्टैंड, प्लीज डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग. मैं बस मजाक करने में बहुत माहिर हूँ और थोड़ा मजाक कर लिया करता हूँ. सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो. आप सबको मैं अपने ट्राई मी गॉड शो, आपके ट्राई मी गॉड शो में वेलकम करता हूँ. आज मैं कलकत्ता के स्टूडियो में ही बैठा हूँ, एक डिफरेंट सेटअप में. सो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या मैं हमेशा राइट होता हूँ? क्या हमें हमने कोई गलती नहीं की होती? क्या हम किसी का दिल नहीं दुखाते? क्या हम जब किसी से मजाक करते हैं तो किसी को खराब नहीं लगता? जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या सब हमें अच्छे से ही लेते हैं? सोचिए इस बात को. हाय कुमार. सो आज हम लोग वही बात कर रहे हैं कि जब हम लोग सपोज बहुत समय ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता, आप अपने को राइट क्यों समझते हो? कभी कभी हम अपने को राइट क्यों समझते हैं? क्योंकि हमारा इंटेंशन वो करने का नहीं होता. सपोज मैं आप लोगों के साथ एक मजाक कर रहा हूं, अब वो मजाक आपको लग गया, तो अगर मैं उस समय ये बोलूं कि मेरा इंटेंशन थोड़ी था, वाई शुड आई बी बॉदर्ड अबाउट इट, मैं इसके लिए बॉदर क्यों करूं? आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने तो मजाक किया था, उसने सीरियसली ले लिया, थिंक अबाउट इट. बहुत समय हम रास्ते से चलते हैं और रास्ते से चलते टाइम हम लोग एकदम लेफ्ट साइड से चलते हैं, हमें पता है कि हमें लेफ्ट साइड से चलना चाहिए और हम अपने लेफ्ट साइड को मेंटेन करते हुए चलते हैं और तभी पीछे से एक साइकिल आके हमें मार देता है, ठठस. और हमें लगता है कि यार हम तो राइट थे, अब हम थोड़ी ना कुछ गलत राह में थे कि वो मार दिया, और हम उस साइकिल वाले से झगड़ा कर लेते हैं, भाई तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है. बहुत समय बहुत लोगों को बात करने में बहुत मजा आता है और कभी कभी बातों में कंट्रोल नहीं रहता और उसके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाता है कि सामने वाले को खराब लग जाता है. तो आप ये सोचते हो कि भाई खराब लग गया तो खराब लग गया, वाई शुड आई बी बॉदर अबाउट इट, मैंने थोड़ी ना इंटेंशनली उसका गलत किया. तो क्या कभी आपको ऐसा लगता है या आपने कभी किसी को कहा है कि मैंने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, मैंने इंटेंशनली तुम्हारा दिल नहीं दुखाया, मैंने इंटेंशनली तुम्हें नहीं मारा, मैंने इंटेंशनली तुम्हारा बुरा नहीं चाहा? ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, तो क्या आप भी कभी ऐसा बोलते हो अगर आपसे मिस्टेक हो जाए? या आप, ऑफ कोर्स आपको नहीं लगता कि आपको आपसे मिस्टेक हुआ है, लेकिन ऐसा आपको लगता है कि कभी-कभी आप इंटेंशनली कुछ नहीं बोलते लेकिन सामने वाले आपको गलत सोच बैठते हैं? तो उसी को लेके आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, कि हमने कुछ बोला एक अच्छे इंटेंशन के साथ, उसने कुछ और समझा एक गलत इंटेंशन के साथ. सो अब गलती किसकी है, उसकी या मेरी? सोचिए इस बात को. अगर आप इसमें कुछ अपनी
एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि आपने भी ऐसा कुछ इंसिडेंट को आपने जरूर अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा जहाँ पे आपका इंटेंशन तो अच्छा था लेकिन किसी ने आपके बात को माइंड कर दिया। थिंक अबाउट इट, ऐसा बहुत बार होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी इस शो को देख रहा है प्लीज शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि और ये बात कहना हम लोग बंद करें कि ये मेरा इंटेंशन नहीं था, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उस बारे में बात करूंगा, इस बारे में हम बात करेंगे। सो दोस्तों, वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो। जो इस शो को देख रहा है, अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं सुभाष कार्तिक आप सबका वेलकम करता हूँ। आप इस शो को ज़रूर शेयर कीजिए। सो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि कभी कभी ना जाने हम कुछ बोल बैठते हैं मजाक से ही सही, लेकिन किसी को खराब लग जाता है और उस समय हम उसे यही समझाते हैं कि मेरा इंटेंशन तो नहीं था। आप समझो, जब आप बाइक चलाते हो या आप अपना कार चलाते हो तो आप एकदम लेफ्ट हैंड साइड रहते हो और आप गाड़ी चलाते हो एकदम देख के चलाते हो और कोई आपको आपके कार को ठोक देता है, कोई आपके बाइक को ठोक देता है और आप बोलते हो यार मैंने तो ऐसी गलती, मैं तो एकदम लेफ्ट साइड में था, कोई आके मुझे मार दिया। सो आई नो कि आपकी इंटेंशन नहीं थी कि कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। हेलो के सर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब बात ये है कि जब हम किसी को ये बोलते हैं कि मेरी इंटेंशन नहीं थी तुझे हर्ट करने की, अब मैं इसी बात को थोड़ा सा उल्टा करता हूं। क्या मेरी इंटेंशन थी उसे खुशी देने की? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात कर रहे हैं सावधानी, अलर्टनेस। रिलेशनशिप एक बहुत नाजुक सी चीज होती है। हम हेलो हेलो कविता, यस हम वही बोल रहे थे, हर रिलेशनशिप एक नाजुक सी चीज होती है। हम जब अपने रिलेटिव से, अपने खास से, अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, हमें अपने बातों पे कंट्रोल आना चाहिए। कभी-कभी हम ऐसी बात कर देते हैं कि सामने वाले को हमारी बात खराब लग जाती है। हो सकता है उसके उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि उस इंसान का मूड ही खराब था और उसमें आपने ये मजाक कर दिया तो उसने उस बात को पकड़ लिया। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब आप किसी से बात करें, भले ही आपका इंटेंशन उसे हर्ट करने का नहीं है, लेकिन आपका इंटेंशन ये भी होना चाहिए कि आप जब किसी से बात करें तो आपकी बात किसी को अच्छी लगे। आप खाली एक इंटेंशन के बारे में सोच रहे हो कि मैं ऐसे बात करूंगी कि उसको खराब ना लगे, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ एक और इंटेंशन वहां पे ऐड करो कि जब मैं किसी से बात करूंगा तो उससे अच्छा भी लगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम कभी अगर रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं तो भले ही हम लेफ्ट साइड में हैं, लेकिन हम ये भी हम सोचे थोड़ा प्रोएक्टिवली कि हो सकता है किसी और से भी गलती हो सकती है, तो मैं और ज्यादा सावधानी से चलाऊं ताकि अगर किसी से गलती हो भी, अगर किसी से गलती हो भी तो भी मैं अपने आप को मैनेज कर लूं। ये एक सावधानी बरतना बहुत जरूरत है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आपके कुछ रिलेटिव्स हैं, आपके कुछ ऐसे इंसान हैं जिसके साथ हमेशा आप टाइम स्पेंड करते हो, जब भी बात करो, जब भी किसी से भी आप बात करो, ऑफ कोर्स ये आप हमेशा मेंटेन करते हो कि आप ऐसे बात करते हो कि उसे बुरा ना लगे, लेकिन आप ऐसे भी बात करो जिससे उसे अच्छा लगे। मैं एक अलग सिरे से आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे अगर जैसे मैंने कहा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी कोई कोई सी बात आपको खराब लग गई हो, तो मैं अगर खुद ऐसा सोचूंगा कि मेरी थोड़ी ना गलती है, मेरी इंटेंशन थोड़ी ना गलत थी, मैंने किसी का बुरा थोड़ी ना चाहा था, मेरी इंटेंशन हमेशा मैं सही थी, मेरी इंटेंशन आप लोग को दुख देने का थोड़ी था। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं कि मेरी इंटेंशन क्या नहीं थी, बात ये है कि मेरी इंटेंशन फिर थी क्या। माई डियर फ्रेंड्स, हो सकता है मेरी इंटेंशन कुछ थी ही नहीं। तो वही बात है कि
हम जब भी किसी से डील करें तो ये ना सोचे कि मेरी इंटेंशन क्या नहीं थी, ये भी सोचे कि मेरे इंटेंशन को मुझे सही रखना है। माय डियर फ्रेंड, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, इसीलिए अच्छे से इस बात को थोड़ा सा समझें। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी गलती नहीं थी, कभी कभी हमें लगता है कि हमने किसी को दुख देने के लिए नहीं बोला, हमने तो मजाक किया था, वो इंसान ने इसे निगेटिवली ले लिया। दोस्तों, हो सकता है वो इंसान उस वक्त जिस हालात में था उससे जैसा सही लगा उसने वैसा ही लिया। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी से भी बात करें, ओवर कॉन्शियस रहे। आपकी किसी भी बात, अगर आप मजाक भी कर रहे हो किसी इंसान को लेके या किसी के सिचुएशन को लेके, आप ये भी सोचो कि अगर मेरे बात को कोई गलत ले लिया तो क्या होगा। तो इसलिए आप, हो सकता है आप मजाक करो और इसके बाद उसे एक ह्यूमर के साथ उसे ये भी बोल दो, अरे डोंट माइंड, मैं मजाक कर रहा था। अगर अगर ऐसी कोई घटना आपके लाइफ में घटी हो तो प्लीज प्लीज अपने को करेक्ट बिल्कुल करना जरूरी है। कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आता कि हम कब क्या बोल देते हैं, और उस समय इंसान की जो हालात होती है वो हमारे बात को नेगेटिवली ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी से भी डील करो, किसी से भी बात करो, और खासकर जो इंसान ऑलरेडी दुखी है उससे बात करो, थोड़ा ओवर कॉन्शियस रहो। अगर मजाक भी करो तो ये एंड में बोल दो कि अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, डोंट माइंड ना। और उससे भी अच्छा होगा कि आप पहले से ही उसे ऐसे बोलो कि सामने वाले को उस बात का खराब ना लगे। दोस्तों, अगर हमारे बात से किसी को खराब लगता है तो किसी ना किसी को तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर जाएगी। एंड ऑलवेज ऑलवेज टेक द ब्लेम। अगर मेरी बात से आपको खराब लगती है तो मैं अपनी ईगो ना रखूं, मैं ये ईगो नहीं रखूं कि मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैं आपके पास जाऊं और मैं आपको ये बोलूं कि आई एम वेरी सॉरी डियर, आई एम वेरी सॉरी। मैं इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ क्योंकि सच में मैंने मजाक किया था, और देखो, तुम शायद, तुम्हारी हालात ऐसी थी कि तुमने उसे मतलब सीरियसली ले लिया, बट आई एम वेरी सॉरी, मुझे शायद ये मजाक नहीं करना चाहिए था, मुझे शायद थोड़ा ओवर कॉन्शियस होना चाहिए था। दोस्तों, आप ऐसे जब बात करोगे ना तो जो इंसान आपको गलत भी सोचा होगा वो आपको समझेगा, वो आप जो बुरा फील कर रहे हो ना उस चीज को समझेगा, और जो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा था वो फिर से रिवाइव होगा। दोस्तों, मैंने बहुतों को देखा है कि आज मैंने लास्ट जो एपिसोड हमने किया था कि जब आप किसी को सह नहीं पाते हो, किसी को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, तो मैंने बहुत कमेंट्स देखे, बहुत कमेंट्स ऐसे थे कि उसे भूल जाओ, उसे बात मत करो। भाई, ऐसा अगर चलता रहा तो एक दिन तो कोई रहेगा ही नहीं हमारे साथ, एक दिन तो कोई नहीं रहेगा, हम अकेले रह जाएंगे। दोस्तों, रिलेशनशिप को बांधे रखना, रिलेशनशिप को साथ रखना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए, मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा, प्रॉब्लम्स आए लेकिन लेकिन साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सही भी है। रिलेशनशिप ब्रेक होना गलत है, और रिलेशनशिप जब भी ब्रेक होता है, ऐसा देखा गया है कि दोनों के इंटेंशन ब्रेक के नहीं थे लेकिन फिर भी ब्रेक हो गया, क्योंकि दोनों के इंटेंशन सही रहे ये भी नहीं था। क्योंकि अगर सही रहे दोनों का इंटेंशन होता, अगर कोई एक ब्रेक भी कर देता ना तो दूसरा ट्राई करता। तो अपने इंटेंशन जो वर्ड है ना उसको सही से इस्तेमाल करो, और ये वर्ड तो बोलना बिल्कुल छोड़ दो कि मेरा इंटेंशन नहीं था। अगर कोई आपको बोल रहा है कि तुम्हारे बात से मुझे बुरा लगा तो उसके पास जाओ, और ईगो को ना थोड़ा पीछे रखना, ईगो के साथ आज तक कोई आगे बढ़ा नहीं है ना ही खुश हुआ है। तो अगर कभी भी कोई इंसान आपको बोले कि आपके बात से मुझे बुरा लगा है, सो आप उसके पास जाओ और सबसे पहले तो बोलो सॉरी डियर कि तुमको मेरे बात से बुरा लगा है, भले ही मेरा इंटेंशन तुमको
बुरा फील करवाना नहीं था, लेकिन शायद उस समय मेरा इंटेंशन ये भी नहीं था कि ऐसी कुछ बोलूं कि तुमको खराब भी लग सके। तो इसीलिए दोस्तों, सामने जाके उसे कन्फ्रंट करें और उससे थोड़ा बोले कि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन आई एम स्टिल सॉरी कि तुम्हें बुरा लगा। इससे फर्क पड़ता है, इससे रिलेशनशिप में फर्क पड़ता है। हेलो नाज। और जिनको बहुत जल्दी खराब लग जाता है, मैं अभी दूसरे सिरे में जाता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको बहुत जल्दी खराब लग जाता है। कोई मजाक करता है आपको खराब लग जाता है, कोई कुछ ए बोलता है तो आपको बी लगता है, कोई पूरब बोलता है तो आपको पश्चिम लगता है। हो सकता है कि वो पश्चिम ही बोल रहा हो, लेकिन अगर आपको कभी भी कोई चीज किसी की खराब लगे ना, और खासकर अगर वो आपका काफी क्लोज इंसान हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको कभी भी किसी की भी बात खराब लग रही हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके भाई बहन कोई भी हो, जब भी आपको किसी की बात खराब लगे, किसी और को उसको लेके बोलने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली उसके पास जाओ और बोलो कि बॉस, मुझे ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या तुमको तुम सच में इस बात को मीन करके बोले थे? क्या तुम सच में इसको जानबूझ के मुझे ये बात बोले थे? देखना एक चीज होगा कि आप 10 को पूछोगे ना, तो 8 तो आपको ये बोलेंगे, अरे भाई भाई भाई, तुम मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियसली क्यों ले लिया? लेकिन आप ये बात उनसे कहते ही नहीं हो, आप बस लगता है कि आपको ये उसने मजाक उसने बुरा बोला और आपने रिएक्ट किया, और आप उससे उसके पास कभी जाते ही नहीं हो उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या वो सच में इस बात को मीन करता था। थैंक यू नाज। हाय सुकन्या। मैं वही बात कर रहा हूँ दोस्तों कि दो बातें हैं यहाँ पे, एक इंसान ये जिसने वो मजाक किया, और एक बात ये जिसने उस मजाक को सुना। तो जो इंसान बहुत ज्यादा मजाक करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, उसे थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा कि जब मैं किसी को ये बात कह रहा हूँ, हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हो सकता है उस बात को वो गलत ले ले, तो वो मजाक करे। अगर वो मजाक करता है तो उसे वो खुद क्लैरिफाई कर दे कि भाई कुछ माइंड मत करना, मैं जस्ट मजाक किया था। इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, इससे रिलेशनशिप बेटर होता है। तो जो मजाक कर रहा है उसे मुझे यही बोलना है कि थोड़ा कॉन्शियस रहो, हो सकता है आप मजाक के मूड में हो, लेकिन हो सकता है कोई और मजाक के मूड में ना हो, इसीलिए थोड़ा सतर्क रहो। आई नो कि तुम्हारा इंटेंशन उसको हर्ट करने का नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा इंटेंशन उसको खुशी देने का है? हो सकता है आप मजाक से उसे खुशी देना चाहते हो, लेकिन कभी कभी अगर मजाक कर रहे हो ना, तो सामने वाले को बोल दो, ये अच्छी बात है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और मैं इस इंसान को भी बोलूंगा जो उस मजाक से अफेक्टेड हो रहा है कि भाई, अगर आपके लिए वो इंसान आपका खुद का होना और वो मजाक किया आपको खराब लगा, तो प्लीज क्लैरिफाई कर ले, ना कि अपने अंदर उस चीज को सोचे, उस चीज पे लड़े, दूसरे को भी शेयर करने से पहले ना खुद क्लैरिफाई कर ले। दोस्तों, क्लैरिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। गलती सबसे होती है, मजाक सब करते हैं, लेकिन जब आप अपने मजाक को करने के बाद उसे क्लैरिफाई करते हैं, तो सामने वाला उसे समझ लेता है और वो यही बोलता है कि मुझे पता है तू मजाक कर रहा था। और इस साइड में जो है ना, दूसरे साइड में, उसे भी मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर खराब लगे ना किसी की बात, तो क्लैरिफाई कर लेना कि सच में तू उस बात को मीन किया था क्या। देखना ज्यादातर टाइम आप यही आंसर पाओगे, नहीं यार मैं मीन नहीं किया, तू तो खामोखा इतना टेंशन ले लिया, और अच्छा हुआ तू क्लैरिफाई कर लिया, नहीं तो तू क्लैरिफाई अगर नहीं करता तो अपने में ही तू उल्टा पुल्टा सोचता। क्लैरिफाई एवरीथिंग। रिलेशनशिप हमेशा स्पेशल होता है। अगर ऐसे ही हम अलग होते जाएंगे, तो सोचो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे को कोई पहचानेगा ही नहीं। सही बात नहीं है ये। रिलेशनशिप रखो, झगड़ा होगा, सब होगा, पर रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखो। और हमेशा ये मत बोलो कि गलती मेरी नहीं थी। अगर सब ये बोलने लगे कि गलती मेरी नहीं थी, तब तो हो गया रिलेशनशिप। सो माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस शो, एंड यस, यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस शो। लेकिन हमेशा एक चीज दिमाग में रखना, जब भी आप कुछ लर्न कर रहे हो ना,
तो एकदम खाली ग्लास, खाली जो कप होता है ना, वैसे आए, क्योंकि खाली प्याले में हम कुछ डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ है तो उसमें आप और ज्यादा लर्निंग ले नहीं पाओगे, वो स्पिल हो जाएगा कप से। हाय सुकन्या, यस सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन करे तो। हाय प्रवीण, यस यू सेइंग सॉरी स्ट्रेंथेंस रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, डेफिनेटली यू आर नॉट सेइंग सॉरी कि आपने कुछ गलती किया है, आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो इसीलिए आप सॉरी बोल रहे हो नाज, और अगर कोई सुनना ही नहीं चाहे तो वो सुनेगा, वो जरूर सुनेगा। वो इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि शायद अभी भी कुछ नेगेटिव वाइब्स आपके तरफ से उसे पहुंच रहा है, हो सकता है उसे ऐसा लग रहा हो, तो आप अपना पॉजिटिव वाइब्स उसे देते रहे, पॉजिटिव उसके बारे में फील करते रहे, और हमेशा खुद को सामने वाले को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई करें। अगर वो कभी आपको लग रहा है इससे काम ना बने तो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर इससे उससे वो आपको फिर भी ना समझे, लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा, वो आपको गलत भी नहीं समझेगा, और एक ना एक दिन वो समझेगा कि नाज हमेशा ट्राई करती थी, शायद मैंने समझने में लेट कर दिया। नाज ये अच्छी चीज है, अच्छी चीज और राइट चीज में ना कभी कंजूसी मत करना, बस करते रहना करते रहना करते रहना, आप बहुत पावरफुल होता है। गलती हो सकती है, गलती से सॉरी बोलना ये इंपॉर्टेंट है। आई ब्रिंग समटाइम्स इफ वी कैन नॉट क्लैरिफाई टू समवन, परहैप्स इंटेंशनली वी हर्ट देम, बट दैट डजेंट मीन वी हैव बैड इंटेंशन। यस मैं वही बोल रहा हूँ, बैड इंटेंशन नहीं है, लेकिन हमें अभी उस टॉपिक से निकलना है, अभी हमें अच्छा इंटेंशन क्रिएट करना है। हर चीज का हम यही बोलते हैं कि मेरा तो बैड इंटेंशन नहीं था, मेरा तो बैड इंटेंशन, मेरा गुड इंटेंशन क्या था ये समझो, अगर गुड इंटेंशन नहीं था तो बैड तो होना ही था, इसीलिए अब हमें क्लैरिफाई करना है बस। अपने रिलेशनशिप जितने भी तोड़े हैं ना, उसे एक सुई धागे से बुनना जरूरी है, और अगले बार कभी भी किसी से मजाक करे ना, उसे क्लैरिफाई कर दे, भाई मैं मजाक कर रहा था, तू बुरा मत मानना प्लीज, और बात करने से पहले ही ना ऐसे करे ताकि किसी को वो खराब ना लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप तोड़ना आसान है, उसे जोड़े रखना बहुत बहुत तकलीफ है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बट अगर वो कर लिया ना तो लाइफ इजी बन जाता है। अब आप ही बताओ, लाइफ इजी चाहिए कि काम इजी, थोड़ा काम डिफिकल्ट है बट लाइफ विल बी इजी। हाय प्रवीण, ऑल द टाइम रॉन्ग चीज को क्या मजाक बोलना सही होता है, या इशू खत्म हो गया। ओके 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 हाय हाय सुकन्या, टाइम इज डन। ये सुकन्या जी का कहना है कि ऑल टाइम रॉन्ग चीज को क्या मजाक बोलना सही होता है। सुकन्या जी क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जो आपसे मजाक, जिसने जिसने रॉन्ग किया उसको तो नहीं लग रहा है कि वो रॉन्ग किया, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो मजाक किया। प्रॉब्लम ये है कि सामने वाला मजाक कर रहा है, आपको लग रहा है कि रॉन्ग कर रहा है, मैं बता रहा हूँ हो सकता है रॉन्ग किया, मैं पॉजिटिव साइड से कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि रॉन्ग कर रहा है, लेकिन कुछ परसेंटेज ये भी तो हो सकता है ना कि वो मजाक कर रहा था, 1% भी तो हो सकता है ना कि वो मजाक कर रहा था, तो उस 1% को हमने इग्नोर क्यों किया। अगर जब मैंने उस मजाक को सुना बिफोर शेयरिंग टू सम अदर पीपल, मैं पहले ही उसके पास जाके अगर मैं पूछता कि क्या आप मजाक कर रहे थे कि आप सीरियस थे, तो शायद आपको वो बोलता कि मैं मजाक कर रहा था। मैं यही बोल रहा हूँ कि हमें लग रहा है कि वो रॉन्ग है, लेकिन हो सकता है वो मजाक है, यही तो तकलीफ है। एक बार अगर इंसान दूसरे को सुनने लगे और ना क्लैरिफाई करने लगे ना, तो प्रॉब्लम का तो ऐसी की तैसी हो जाती है। बस हमारा इंटेंशन होना चाहिए रिलेशनशिप को बेटर रखने का, बाकी ये सुनना ना ये सब ऑटोमेटिकली आने लगता है। हाय अंजलि, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। ओके थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एंड हम लोग बात कर रहे थे आज कि हम हमेशा सही नहीं होते हैं, और हम दूसरे को जितना गलत बोलेंगे उतना हम गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए जब भी आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, हमेशा दिमाग में रखना, कभी मत बोलना कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, बल्कि उसके पास जाना और बोलना कि मैं मजाक कर रहा था, सच में मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, लेकिन शायद मेरी इंटेंशन, ये अपने आप में सोचो कि शायद मेरी इंटेंशन अच्छी भी तो नहीं थी ना,
सामने वाले को क्लैरिफाई करो, सामने वाले को क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। थोड़ा इस टॉपिक को अगर कहीं पे समझने में आपको दिक्कत हो तो इस टॉपिक को फिर से समझिए। रिलेशनशिप टूटना मतलब हमारी हार है, और हमारे आगे के जनरेशन के लोग हमारे उस फैमिली मेंबर्स, उस रिलेटिव, उस दोस्त से कभी मिल ही नहीं पाएंगे अगर इस उस रिलेशनशिप को हम आज ही तोड़ दें। प्लीज आपके हाथ में ही सब है, तोड़ने मत देना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले फ्राइडे, आइएगा जरूर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, शेयर करें ताकि केयर कर सकें।